नमस्कार, न्यूज 29 में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। काला पीपल के ग्राम आखेड़ी में पुलिस ने गौ मांस के संदेह में जीप को रोका, पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। इछावर विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम दिवाड़िया में सभा को किया संबोधित, कहा कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ही काफी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांगे रमाकांत भार्गव के लिए वोट, कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का किया भव्य स्वागत। काला पीपल के ग्राम आखेड़ी के ग्रामीणों की सूचना पर गौ मांस के संदेह के आधार पर पुलिस ने अवैध रूप से जीप में भरकर ले जाया जा रहा मांस को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। जीप में अवैध रूप से मांस ले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन सहित वाहन चालक राकेश चौरसिया को गिरफ्तार कर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। वह तीन अन्य आरोपी कल्ला खा, शौकिंग खा और भव्वा खान निवासी खोकरा कला भागने में कामयाब हो गए। पुलिस के अनुसार जब्त गाड़ी में 5 बोरों में 3 क्विंटल 35 किलो मांस होना बताया जा रहा है। यह मांस वाहन में कहां से भरकर लाया गया तथा कहां ले जाया जा रहा था, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना की खबर लगते ही हिंदू संगठन के लोग थाने में एकत्रित हो गए। जब्त किए गए मांस के परीक्षण हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी जी डी माहौर का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए स्वयं सैंपल न लेते हुए उक्त मांस को भोपाल भिजवाया, लेकिन वहां पर जांच हेतु सैंपल लेने से इनकार कर दिया गया। देखिए, ये जो जब्त किया हुआ है मांस, पुलिस थाने वालों ने जब्त किया है। इसके इंस्पेक्शन के लिए मुझे पुलिस वालों ने बुलवाया, मैंने वहाँ पर इंस्पेक्शन किया और उसके जो फ्लैश है, मांस है, उसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी में के लिए मैंने उनको पुलिस वालों को बोला। तो वहाँ से उन्होंने पुलिस वालों ने ये फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए भेजना सुनिश्चित वो करेंगे। मेरे द्वारा सब पैक कर लिया गया, पैक करके सील लगा के और पूरी चीज़ फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए उनको दे दिया गया। रात को मुझे 10 बजे सूचना मिली थी, मुझे आगखेड़ी से सुरेश चौधरी ने रिपोर्ट दी थी, सूचना दी थी कि यहाँ गौ मांस जाइलो गाड़ी में जा रहा है। सूचना पर मैंने मेरे उपनिषद देवड़ा और यादव साहब को भेजा, मैं भी मौके पर पहुँच गया था। हम गाड़ी को लेकर यहाँ पर आए, गाड़ी में आरोपी राकेश है चोरसिया, ये गाड़ी चला रहा था। गाड़ी को जब्त करिए, मांस जब्त करा, वजन कराते 3 क्विंटल 35 किलो मांस पाया गया। मेडिकल करवाया गया मांस का। मेडिकल कहाँ पर हुआ सर? मेडिकल में वेटनरी डॉक्टर से करवाया गया है, इसका सैंपल निकल गया, वो मथुरा जाएगा जांच के लिए। और आरोपी अभी एक गिरफ्तार है, बाकी घटनास्थल से फरार है, उनकी मैंने तलाश करी है, तत्काल उनको गिरफ्तार कर ले जाएंगे। काला पीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। सीहोर जिले के इछावर विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम दिवाड़िया में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी और उनके गुरु दिग्विजय सिंह ही काफी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, बीच बीच में नारे लगवाते हैं कि चौकीदार चोर है। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांटा तो बोले चौकीदार चोर नहीं है, फिर मंच पर गए फिर कहा चौकीदार चोर है। ये ऐसे बच्चे हैं जो गड़बड़ करते हैं और मम्मी मारती हैं तो कहते हैं मम्मी नहीं करूंगा, जब मम्मी दूर गई तो कहते हैं करूंगा मम्मी, करूंगा मम्मी। राहुल गांधी को न जाने क्या हो गया है, कांग्रेस को हराने के लिए केवल राहुल गांधी और उनके गुरु दिग्विजय सिंह ही काफी है। मैं यही रहूंगा, कमलनाथ सरकार की छाती पे मूंग दलूंगा और चुनाव के बाद वादे पूरे करवाने के लिए हम आंदोलन करेंगे। कर्जा माफ करो, बेरोजगारी भत्ता दो, किसान को सुविधाएं दो, बेटा बेटियों की फीस भरो, बहनों को पैसे दो। इच्छावर से रामबाबू वर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार रमाकांत भार्गव के लिए रेहटी में सभा और उनके लिए वोट मांगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया।
सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि लंगड़ी लूली सरकार है, बेईमानी कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है, बोनस नहीं दे रही है। लोगों ने मुझे दिल्ली पहुंचाने की बहुत सोची पर हम भी दिल्ली नहीं गए ना जाएंगे, बल्कि कमलनाथ सरकार की छाती पर बैठकर मूंग दलेंगे। मैं चुटकी लेते हुए बोले कि शरद पवार ने कहा कि हमारी डिक्शनरी में राहुल शब्द का नाम ही नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए दर्जनों की लाइन लगी हुई है, मतलब उसमें का हाल है कि मेरे पाँव में घुंघरू बंधा दो फिर मेरी चाल देख लो। और कांग्रेस ने देश को क्या किया, सिर्फ घोटाले ही घोटाले। पहले मनमोहन सरकार ने 2G 3G 4G और जीजाजी जैसे घोटाले किए हैं, भाई अब CBI छापा पड़ता है तो बोलते हैं बीजेपी का हाथ है, लाइट जाती है तो बोलते हैं बीजेपी का हाथ है। जब छापा पड़ा तो नोटों के बोरे निकले, पूर्व मुख्यमंत्री ने खूब खरी खोटी सुनाते हुए बातों ही बातों में चेतावनी दे डाली कि अगर किसी गरीब या किसान को परेशान किया तो कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और दो ही संकल्प मन में है, एक कांग्रेस को हराएंगे, मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बना के मजबूत भारत बने ये काम करेंगे, और दूसरे जो बेईमान कांग्रेस की सरकार ने जनता को ठगा है, वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए, कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, हमारी संबल योजना बंद कर दी, किसानों के गेहूं की तुलाई नहीं हो रही, सोयाबीन के पैसे नहीं दिए, धान का बोनस नहीं, चना के मसूर के पैसे नहीं, गरीबों की संबल योजना बंद है, कफन भी 5,000 रुपए जो हम देते थे अंतिम संस्कार की वो भी सरकार ने छीन लिया, उसे जनता गुस्से में है। नसरुल्लागंज में चोरी की वारदात में लगातार इजाफा हो रहा है। पूर्व में भी नगर नसरुल्लागंज चोरी ने दिन दहाड़े कई दुकानों से नकदी ले उड़े थे, वहीं अब ताजा घटना नसरुल्लागंज की स्वप्न सिटी का है, जहां दिन के 12 बजे एक सूने मकान में सोने चांदी के जेवर सहित नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं उसी स्वप्न सिटी में दिन में ही मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। कुछ दिन पूर्व शास्त्री कॉलोनी में पल्सर मोटरसाइकिल व अन्य एक और बुलेरो का रात के अंधेरे में ले चोर उड़े थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जो नसरुल्लागंज पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है। सवाल ये उठता है कि जब नसरुल्लागंज पुलिस दिन में चोरी होने से चोरों को नहीं रोक पा रही है तो रात में क्या रोक पाएगी। वही स्वप्न सिटी में सिक्योरिटी के नाम पर गेट पर CCTV तो लगे हैं, परंतु आने जाने वाले के लिए कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता है। तो नहीं है बाकी CCTV कैमरे लगा रखे। अच्छा, निगरानी CCTV कैमरे से। क्या यहाँ पे कोई रजिस्टर मेंटेन किया जाता आने जाने वालों को? नहीं। तो कल जो चोरी हुई उसके बारे में कुछ जानकारी मिली अभी तक? जानकारी तो क्या पुलिस आई थी, देख रेख करी उनने। तो अपने CCTV कैमरे में कुछ आया क्या? नहीं आया। नहीं आया। इससे पहले भी यहाँ कुछ चोरी हो गई? चोरी हुई थी और CCTV कैमरे में आ भी गया था वो पकड़ा नहीं पाई। आपका नाम बताइए। रामनाथ मालवीय। क्या हो गया? चोरी हो गई सर। कहाँ पर हुई? स्वप्न सिटी नसरुल्लागंज। किस समय घटना आई? लगभग 9:30 से लेके 12 के बीच में। क्या ले गए चोर? चोर ज्वेलरी वगैरह थी, मैं बेटी की शादी करना था उसके लिए भी बनवाना के रखी थी, और मेरी शादी की ज्वेलरी और भी घर की ज्वेलरी थी। लगभग कितने की चोरी? लगभग 15-16 तोला सोना था। 4-5 लाख का आइटम? हाँ, लगभग 5 लाख। घटना का दिन की है कि दिन के 9:30 से लेके 12 के बीच में? आज ये हुआ कि यहाँ चोरी हुई। तो सब लोग कहाँ गए थे? ये तो गए थे पढ़ाने तीनों। कब, किस समय की बात है ये हुई? आज 9 से 11:30 के बीच। अच्छा अच्छा, क्या क्या ले गया चोरी? चोरी में इनका ये मंगलसूत्र था, क्या क्या इनका सामान सोने के थे सभी, वो तो सामान। क्या इससे पूर्व भी यहाँ पे स्वप्न सिटी में ऐसी घटनाएं हुई? नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। पानी की समस्या को लेकर पूरा नसरुल्लागंज जूझ रहा है। वही नगर परिषद नसरुल्लागंज द्वारा भी जिन वार्डो में पानी की समस्या है उन वार्डो में पानी के टैंकर पहुंचकर पानी की सप्लाई को पूरा करने के प्रयास के बाद भी नगर में पानी की समस्या देखने को मिल रही है। वही वार्ड नंबर 12 के वार्ड वासियों ने अनुविभागीय अधिकारी ब्रजेश सक्सेना को पानी की समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा 20 बोर की अनुमति मांगी थी और हमने 20 बोर की अनुमति दे दी है। वही ब्रजेश सक्सेना ने नगर परिषद CMO को दूरभाष से जानकारी देकर वार्ड नंबर 12 की समस्या का समाधान करने की बात कही है। नसरुल्लागंज नगर के वार्ड
पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के अनदेखी के कारण नगर के मुख्य जेपी मार्केट में दुकानदारों द्वारा बेखौफ होकर पानी को व्यर्थ गवाया जा रहा है और अपनी अपनी दुकानों के सामने रोड की सिंचाई की जा रही है, फिर भी नगर परिषद का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। अब ये समझने वाली बात है कि क्या नगर परिषद इन दुकानदारों पर कोई कार्रवाई करती है या अनदेखी करती है। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सात विदेश।